शिवपुरी की कोलारस विधानसभा इस समय चर्चा में बनी हुई है। कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की लगातार कई ऑडियो वायरल हो रहे हैं। इसी क्रम में कोलारस विधानसभा में एक सभा में मंडल अध्यक्ष के साथ कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की नोकझोंक हुई, जिसके बाद मंडल अध्यक्ष अवध बोहरे से कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी की बातचीत का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसमें वह उन्हें धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। पहले सुने कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी एवं मंडल अध्यक्ष अवध बोहरे का ये ऑडियो। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, केवल सुन लेना। हाँ भाई, जो भी हरकतें हुई पहले तुम्हारी तरफ से ही हुई हैं। मैं गंभीरता रखे हूँ, तुम जो टीम को तोड़ोगे और हटाने मटाने की बात करोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, तो मैं हटवा दूंगा, कोई रोक नहीं पाएगा। नहीं नहीं, तो हटा कौन है? जो कहता हूँ वो करता हूँ, ये पूरा संभाग जानता है। नहीं तो हटा कौन रहा है? एक अतिरिक्त ठीक करने की कोशिश करो, चुनाव है 6 महीने बाद, तुम मिल सकते हो पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ। मेरा ये स्वभाव नहीं है, तुम केवल उपाध्यक्ष को लेके और लूटने के लिए नगर पंचायत को बंटी और विपिन तुम्हारे मित्र हो सकते हैं, मेरे मित्र नहीं है। नहीं ठीक है, सोवरली चलो सोवरली, और नहीं तुम किसी को नहीं हटा पाओगे। मैं तुम्हें पहले कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा, फिर मैंने ये विचार नहीं किया। मेरी तो सुनो, सुन लो। अभी उस दिन ब्रजेंद्र हट रहा था, उस दिन मैं चाहता तुम्हें हटवा देता, लेकिन मैंने हाथ नहीं डाला, क्योंकि मैं इतना स्तर नहीं गिराना चाहता। तो मेरी तो एक बात सुन लो, गिराना चाहता कि तुम्हारी परिवार की पहचान भाजपा से है। नहीं है, सही बात है। और मैंने पूरी ताकत से मदद की है, तुमने बहुत बड़ी एक गलती की, उसकी वजह से ये दरारें पड़ी हैं, और अगर इसको परमानेंट करना चाहते हो तो मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब मेरी एक मिनट तो निवेदन सुन लो। हाँ, मैंने कहा हटा किसी को नहीं रहे, मंडल की मीटिंग चल रही है और जहाँ सब लोग बैठे हैं, सबका एक निर्णय है कि एक और महामंत्री बढ़ा दो, काम पार्टी ने ज्यादा कोई दिया। नियम में नहीं है, जितने उनसे काम चलाइए, कुछ भी ऐसी हरकत मत करिए। तो, नहीं फिर मुझसे मत कहना, नहीं कर रहा ना उमेश, फोन भी एक भी मीटिंग में नहीं आता भाई साहब उमेश। वो सब में आएगा, तुम्हारा बर्ताव उसके साथ ठीक नहीं है, जब हमारे साथ ही नहीं है नगर पंचायत के चुनाव के बाद, तो उसके साथ तुम कैसे बर्ताव अच्छा करोगे? नहीं, हम तो रोज बुला रहे हैं, पूरा सम्मान कर रहे हैं, वो आएगा। और रमेश को नहीं, किसी को भी नहीं हटा रहा है, केवल एक महामंत्री एक उपाध्यक्ष दोनों बढ़ा रहे हैं अतिरिक्त। वो दो कौड़ी के साले में नौगट ने उसको हटा दिया था, पंकज को। तो ये हरकतें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, मैंने बड़े बड़ों के चैलेंज स्वीकार करे हैं, ध्यान होगा तुम्हें। नहीं, नहीं लेना चाहूंगा, शोभा नहीं देता मेरा मोबाइल। मीटिंगों में ऊपर भी जिले में भी कह चुके, जो काम नहीं कर रहा तो एक एक अतिरिक्त बना दो। सब काम कर रहे हैं, तुमसे ज्यादा कर रहा है पार्टी का, वो मेरा काम वो। नहीं आपका भले ही कर रहा हूं, लेकिन पार्टी ने तो जैसे बात करोगे वो आएगा बैठक में। नहीं रोज बुलाते हैं मीटिंग में, उसकी जिम्मेदारी समझाना और तुम्हारे संज्ञान में लाना उचित समझा, इसलिए मैं समझा रहा हूँ। ठीक से चलो, अच्छा रहेगा। अरे मेरी तो सुनो, और ये मत भूलो, जिस दिन तुम्हें बनवाया था उस दिन अखबार में छापा था कि 320 के पैरोल के मुलजिम को बनवाया विधायक जी ने। हाँ बनवाया, मैंने वो कुर्बानियां दी है, लोगों से बुराइयां लेगी। अब आप मेरा निवेदन सुन ही नहीं रहे। आपको किसी को ना हटाया जा रहा है ना कुछ करा जा रहा है, जो पार्टी ने बूथ विस्तारक का बहुत बड़ा काम दिया है, बहुत बड़ा तो मिलके सब करेंगे, पार्टी अपन से अपेक्षा करती है। 24 तारीख लास्ट है, और सब मंडल वाले ने कह दी, पूरे कार्यकर्ताओं ने, जहाँ कम से कम 50 लोगों की मीटिंग है, सबको काम सौंपो ना, वो भी अपना काम करेगा, वो मुझे मालूम है काम कर रहा है, इनसे इस सब में मत जाओ लंबाई में। मैं आप बात करते रहो, मैंने अलग से कुछ प्रोसीडिंग नहीं लिखी, आपकी सहमति से, जिलाध्यक्ष की सहमति से ही एक प्रोसीडिंग डाल दी है इसमें, कि विधायक जी की सहमति एवं जिलाध्यक्ष जी की सहमति से एक और अतिरिक्त पद और एक उपाध्यक्ष बनाए जाते हैं। कोई जरूरत नहीं है, जो टीम है उससे काम चलाओ, कोई नई पार्टी ना कोई मंजूर करेगा ना होगी, जो है उनसे काम चलाएं, जो नहीं करेगा बैठ के बात करेंगे, उससे कहेंगे भैया तू स्वेच्छा से छोड़ दे। नहीं कर रहा भाई साहब जी, मैं स्पीकर खोला देता हूं। तुम्हारा जब मेरे साथ बर्ताव नहीं रहा है उपचुनाव अध्यक्ष चुनाव के बाद, तुम उसको फूटी आंख नहीं सुहा रहा है, वो क्या तुम्हारे संग करे? अलग से उसको जो काम मैं देता हूँ पूरा काम कर रहा है। उसमें हमने तो बिल्कुल कुलाड़ी मारी नहीं है, उस दिन से बढ़िया बोल रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो खुद ही नहीं आता, फोन ही नहीं उठाता। वो आएगा, मैं बोलूंगा बर्ताव ठीक रखोगे तो, बर्ताव ठीक नहीं रखोगे तो कोई नहीं आता, बेइज्जती कराने कौन आएगा। अब एक काम करो भाई साहब, अगर मेरा निर्णय हो तो मैं स्पीकर खोल दूं, इनकी सबकी सुन लो, जी का कह रहे हैं मंडल के, जे भी तो आपके काम आएंगे। अभी ये सब बातें तो छोड़ो, मैंने बहुत वजनदार बात की है, और मुझे फोन करना था कि नहीं करना था ये नहीं पता, लेकिन मैं मानवता पूरी निभाता हूँ जब कदम बढ़ाता हूँ। तुम भी कोई काम नहीं कर रहे पार्टी के, मैंने तो नहीं कहा कि तुम्हें हटा दूं, ब्रजेंद्र के साथ तुम्हें भी हटवा सकता था, मैं इसमें कोई शंका नहीं है।
तो हटा कोई सकते हो ना, कमजोर नहीं हूँ बनवाया मैं, फिर आपने, कह रहा हटवा हूँ दो कि मुझे तुम क्या अगर दिक्कत इस तरह का बर्ताव रखोगे तो मैं खुला कह रहा हूँ तुम्हें हटवा दूंगा मैं। नहीं तो मैं कह तो रहा हूँ आपने ही बनवाया, हटवा सकते हैं। कोलारस विधायक अवध बोहरे से इस ऑडियो में जो बातचीत आपने सुनी है उसमें सेन समाज को अपशब्द कहे गए हैं, जिसके बाद सेन समाज में आक्रोश फैल गया है। वहीं प्रदेश के कई जिलों में कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी के पुतले भी जलाए गए। इस क्रम में एक ये वीडियो है जो कोलारस विधानसभा के विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का ग्वालियर में पुतला दहन किया गया। जिन्दावाद, जिन्दावाद, सेन समाज, जिन्दावाद, जिन्दावाद, जिन्दावाद। राम बाबू श्रीवास इसका पुतला दहन किया, ये शिवपुरी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी का किया। इन्होंने हमारे समाज के खिलाफ चौपड़ी के समाज को अंकित किया है कि जो चौपड़ी के समाज नाई समाज, इसने हमारे साथ ऐसा किया वैसा किया। तो जब तुम्हारी बात अन्य बिरादरी से हो रही है, हमारे समाज का कोई व्यक्ति नहीं है, तब हमारे समाज का आप अपमान कर रहे हो गाली दे के। तो हमारा समाज चुपचाप नहीं बैठेगा, पूरे ऑल इंडिया में हमारा समाज जाग चुका है। और इन्होंने जो कृत्य किया है, अभी तो इनका पुतला दहन किया है, कल आने वाले समय में कल हमें इनके खिलाफ FIR कराएंगे। अगर पुलिस से FIR नहीं करती है तो हम कोर्ट में जाके प्राइवेट इस्तगासा करके इनके खिलाफ मुकदमा कायम कराएंगे। और जब तक हम लोग शांत नहीं बैठेंगे, जब तक इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो जाए, और हम सभी लोगों के सार्वजनिक रूप से अगर इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे। रघुवंशी के विधानसभा क्षेत्र में जाके घर घर प्रचार करेंगे कि इनने हमारे समाज के खिलाफ और BJP के खिलाफ प्रचार करेंगे, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर करेंगे, क्योंकि हमारे समाज के जो खुल ये आम मतलब अत्याचार कर रहा है हमारे समाज के ऊपर। वीरेंद्र रघुवंशी इसी तरह मुख्यमंत्री भी जब हमारे संजी महाराज की पुण्यतिथि आती है तब घोषणा कर देते हैं कि हम बांधवगढ़ में स्मारक बनवाएंगे, ये करवाएंगे, वो करवाएंगे। इनको 18 साल हो गए, आज तक झूठी घोषणाओं के अलावा कोई काम नहीं किया है। इसलिए हमारे समाज में आक्रोश है और बिल्कुल पूरी तरह से BJP के खिलाफ आपकी मन बना लिया है कि BJP के खिलाफ हम वोटिंग करें। संपूर्ण प्रदेश के कई जिलों में पुतला दहन के बाद एक ऑडियो सामने आया है जिसमें भोपाल के रामेश्वर सेन कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने सेन समाज पर टिप्पणी करने का विरोध किया। तो विधायक जी ने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत मामला है, क्योंकि 1.5 साल से वह मुझे लगातार मेरी विधानसभा में परेशान कर रहे हैं, इसलिए ये आक्रोश में शब्द निकल गया। सुनिए ये ऑडियो। हेलो, जय श्री राम साहब। जय श्री राम भैया। भाई साहब, भोपाल से रामेश्वर सेन बोल रहा हूँ। बोल रहे हैं, अभी आपका एक ऑडियो वायरल हो रहा है, आपने समाज के लिए इतनी अभद्र टिप्पणी की है, आप एक जनप्रतिनिधि हैं, आपको शोभा नहीं देता। मैं मेरा समाज का अपमान करने का कोई अर्थ नहीं है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, नवनीत सेन जो वहां जिला अध्यक्ष बने युवा मोर्चे के, मेरे क्षेत्र में पार्टी के खिलाफ काम करा रहे हैं। मेरे क्षेत्र में जितने युवा मोर्चे के अध्यक्ष बनाए हैं सबको रोज भड़काने का काम करते हैं, उसके प्रति मेरा भाव है। व्यक्ति विशेष से अगर कहीं कोई भूल हो रही है, गलती हो रही है, तो आक्रोश सबको आता है। मेरी पूरी बात सुन लें। उनके क्रियाकलापों को लेके पिछले 1.5 वर्ष से माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को, माननीय संगठन मंत्री जी को, सबको मैं अवगत करा चुका हूँ कि मेहरबानी करके इनको समझाएं, ये पूरी विधानसभा में मेरे खिलाफ क्रियाकलाप कर रहे हैं। मेरा निवेदन था, व्यक्ति विशेष के खिलाफ तो बातें चर्चाएं देश भर में, दुनिया में, समाज में, सब जगह होती हैं। सर, समाज विशेष के प्रति मेरा कोई भाव नहीं है। और आपको अगर समाज के प्रति मेरा कोई भाव नहीं है, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो मैं क्षमा चाहता हूँ, माफी मांगता हूँ। आपने नौवा शब्द का उपयोग किया सर। नहीं, देखिए, आक्रोश में हम सब मानव हैं, अगर व्यक्ति विशेष इतना मुझे पीड़ा पहुंचा रहा है मेरी पार्टी का जिला अध्यक्ष होके, तो निश्चित रूप से किसी को भी आक्रोश आएगा। और ये चीजें सब मैं प्रदेश को भी बता चुका हूँ, 1.5 साल से उस आदमी से मैं परेशान हूँ। आप अपने समाज पर मत लीजिए विशेष व्यक्ति विशेष की बातों को, फिर भी अगर आपके मन को ऐसा लगा है तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्षमा चाहता हूँ। व्यक्तिगत टिप्पणी कर सकते थे आप नवनीत जी के खिलाफ, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, आपने पूरे समाज का उल्लेख किया वहाँ। नहीं, मैंने पूरे समाज का नहीं किया, मैं माफी चाहता हूँ। मैं नवनीत से मेरा भाव है और मैंने पार्टी में 1.5 साल से कह रहा हूँ लगातार, और लिखित मैंने भी दिया हुआ है कि ये हमारे पार्टी के युवा मोर्चे के जिला अध्यक्ष हैं, और इस तरह से मेरी विधानसभा में लगातार क्रियाकलाप इनके उल्टे चल रहे हैं, हर कार्यकर्ता को भड़काने का काम करते हैं। एक नहीं, पार्टी अगर मुझसे पूछेगी तो 50 कार्यकर्ता खड़े कर दूंगा, लगातार वो पार्टी के खिलाफ कोलरस विधानसभा में काम करा रहे हैं। सर, मेरा निवेदन यह है कि हमारा समाज जो है
भाजपा के लिए इतना समर्पित समाज है। मैं समाज के प्रति अगर भाव आप ले रहे हैं तो भैया माफी मांगता हूं, मैंने पूरा विषय बता दिया आपको। व्यक्ति विशेष की बातों को समाज में न ले, मेरा हाथ जोड़ के आग्रह है, मैं माफी चाहता हूँ। चलिए ठीक, धन्यवाद। मैं माफी चाहता हूँ जी, धन्यवाद। और कृपा करके उसको भी समझा दीजिए, वो भी भाजपा का है, मैं भी भाजपा का हूँ, और ये कोई बनावटी बात नहीं कर रहा हूँ। आप बीडी शर्मा जी को लगा के पूछ सकते हैं, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को। जी जी। सुप्री उनका 1.5 साल पहले भ्रमण हुआ था, टूरिस्ट विलेज में बैठ करके मैंने मेरे जिलाध्यक्ष के समक्ष, महामंत्री रणवीर रावत जी के समक्ष एक ही विषय रखा था पूरी विधानसभा का, कि भाई साहब आपने बना दिया इसको लड़के को, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन ये लगातार उल्टे सीधे लोगों को तो वहां मंडल अध्यक्ष बनाए इसने। एक वो यादव लड़का लुकवासा मंडल पे अध्यक्ष बनाया, उसने एक महीने के अंदर ही हमारे पूर्व महामंत्री युवा मोर्चे के उसके सर में लठ तक दे दिया, छेटा के लगे, मुकदमा आज भी दर्ज है उस पर। आदरणीय जी, आपकी पार्टी का व्यक्तिगत नहीं, व्यक्तिगत पार्टी का है तो पार्टी का ही हमारा आक्रोश है, समाज से कोई विषय नहीं है। आप मेरी बात को समझे, आपने जो समाज का उल्लेख किया था उस चीज की पीड़ा नहीं, मैं क्षमा चाहता हूँ, समाज से मेरा कोई बैर नहीं है, समाज मेरे साथ है और समाज का मुझे हमेशा सहयोग मिला है। आप कांग्रेस में पूछ सकते हैं, कोरोना काल में जब समाज की दुकानें बंद थी तो सबसे पहले ये वीरेंद्र रघुवंशी समाज के साथ खड़ा हुआ था, हर तरह की समस्याओं को निदान करने के लिए। महीनों तक दुकानें नहीं खोली जा रही थी कि कोरोना फैलेगा, मैंने वहाँ रवि सेन है वो और अनेक लोग मेरे पास आए थे, हमेशा मैं समाज के साथ रहा हूँ। नहीं, वो आपका दायित्व बनता है, आप एक जनप्रतिनिधि थे, दायित्व है तभी तो निभा रहा हूँ ना मैं, लेकिन उसका भी दायित्व बनता है, आप अपने समाज पर मत लीजिए। आपने केवल सेन समाज का नहीं, आपने सभी का सहयोग किया, क्योंकि आप मैं हमेशा करता हूँ, मैं केवल राजनीति भैया जनसेवा के लिए करता हूँ, पूरा प्रदेश जानता है, जो भी मुझे पहचानते हैं, मैं ना कभी द्वेष भाव रखता ना किसी का अपमान करता हूँ, 24 घंटे सेवा के अलावा मेरा कोई काम नहीं है। चलिए बहुत, आप समाज विशेष पे ना लें, और ये आप समझ सकते हैं कि 6 महीने ये राजनीतिक गर्मा गर्मी के माहौल हैं, हमारे अपने विरोधी भी इस तरह की बातें करेंगे, मैं माफी चाहता हूँ। हमारा निवेदन केवल इतना कि अपन सैन समाज से ही अभिप्राय नहीं, किसी के भी बारे में अपन ऐसी अनर्गल टिप्पणी न करें जो अपन को बिल्कुल नहीं, बिल्कुल करने का उद्देश्य नहीं रहता, लेकिन जब कोई चरम सीमा से छोटी सी विषय को लेकर प्रदेश अध्यक्ष जी तक 1.5 साल से बातें जा रही है और वो आदमी मानने को तैयार नहीं है, तो भैया क्षमा चाहूंगा, आक्रोश सबको आता है और आक्रोश में कोई भूल होती है, समाज का मेरा कोई भाव नहीं है। चलिए ठीक, हाँ। और फोन पर व्यक्तिगत किसी अवध जो मंडल अध्यक्ष है उनका भी यही काम है, दोनों का हमारा चल रहा है, पूरी विधानसभा में सारे कार्यकर्ताओं से हमारा तालमेल है, सारे कार्यकर्ता सहयोग करते हैं, मैं भी करता हूँ, उनके साथ भी विषय ये हुआ है। मैं कारण बता दूं कि ये बात क्यों निकली, अवध बोरे जी हमारे यहाँ मंडल अध्यक्ष है 3 साल से रन्नौद में जी, और रन्नौद में ही उन्होंने नगर पालिका नगर पंचायत चुनाव में पार्टी से बगावत करके पार्टी के मैंडेट के खिलाफ अपने भतीजे को मंडल वो नगर पंचायत उपाध्यक्ष बनाया था। हाँ। ये बात भी संज्ञान में मुख्यमंत्री जी से लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जी महासंगठन मंत्री जी की जानकारी में है, उन्होंने भी फोन पर उसको समझाया था वोटिंग के एक दिन पहले, इसके बाद भी वो नहीं माने, नगर पालिका को लूट या कमाई की दृष्टि से उन्होंने पार्टी से बगावत की, और उस मंडल में ये पूरी तरह उनके साथ मिलकर उनको भी ताकत दे रहा है। और महामंत्री सुन तो लीजिए, महामंत्री जो मंडल में है उसको इसने लेटर जारी करके हटा दिया था 1 महीने पहले, जो पार्टी का काम कर रहा है। मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से कहकर इसको फोन कराकर नवनीत को उसको पुनः दूसरे दिन बहाल करवाया, बात छोटी नहीं है, बात इतनी है कि वो बहुत पीड़ा पहुंचा रहा है। नहीं, वो आपका व्यक्तिगत निजी मामला हो गया, वो व्यक्तिगत है तो मेरा समाज का भैया कोई भाव नहीं है, मैं समाज से क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अगर इस तरह का बर्ताव कोई करेगा तो हम चुप तो नहीं रहेंगे, व्यक्ति विशेष। अगर अगर हाँ, व्यक्ति विशेष के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, व्यक्ति विशेष के लिए हम चुप तो नहीं रहेंगे, व्यक्ति विशेष, व्यक्ति विशेष से आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आप समाज के लिए। मेरा भाव व्यक्ति विशेष से ही है, प्लीज आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ, समाज का विषय मत लाइए। आप बात कर रहे हैं, नहीं बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, केवल प्रतिद्वंदियों का उनको ताकत देने का और हमें नुकसान पहुंचाने का भाव है, समाज पार्टी के साथ रहता है, मुझे अच्छे से जानकारी है, लेकिन उसको समझाएं समाज बंधु भी अगर कि पार्टी के खिलाफ वो भी काम ना करे, और ये मेरे तक नहीं है सीमित, ये 1.5 साल से पूरे प्रदेश को मालूम है कि वो क्या करता है मेरे क्षेत्र में। चलिए हम बात करते हैं, बात कर लीजिए, बीडी शर्मा जी को याद दिला दीजिए कि 1.5 साल पहले भी सुप्री में क्या आपने नवनीत के खिलाफ विधायक रघुवंशी ने शिकायत की थी सुप्री भ्रमण पर, पूछ लीजिए आप, उसके बाद भी उसमें कोई सुधार नहीं आ रहा है। चलिए, समाज सम्माननीय है, सभी हम जनप्रतिनिधि हैं, सब समाजों का सम्मान करते हैं। चलिए ठीक, जय श्री राम जी।
ये सभी घटनाक्रमों के बाद वीरेंद्र रघुवंशी कोलारस विधायक का माफी वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने व्यक्ति विशेष से आक्रोश की बात कही और आक्रोश में ये शब्द निकला है। सभी सेन समाज से कोलारस विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने हालांकि माफी मांगी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ये मेरा व्यक्तिगत विरोध था, लेकिन समाज के प्रति गलत शब्द निकल गया था। मैं सभी सेन समाज से माफी मांगता हूँ। सुनिए ये वीडियो। सभी सेन समाज के भाइयों को मैं वीरेंद्र रघुवंशी विधायक कोलारस नमस्कार करता हूँ। मेरे अपने जिले में राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के द्वारा जो षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, नवनीत सेन जो युवा मोर्चे का जिलाध्यक्ष है, डेढ़ साल से पार्टी के खिलाफ और मेरे खिलाफ मेरी कोलारस विधानसभा में कार्य कर रहे हैं, इस बात की जानकारी डेढ़ साल से लगातार मैं माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष पीडी शर्मा जी के भी संज्ञान में ला चुका हूँ। मैंने व्यक्ति विशेष ने जब मुझे डेढ़ साल पीड़ा पहुँचाई है और मेरे वीडियो वायरल में अगर कोई बात निकली है तो वो व्यक्ति विशेष के लिए निकली है। मैं आप सभी सेन समाज के लोगों से माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि आप अपने ऊपर न लीजिए। अगर डेढ़ साल से कोई व्यक्ति विशेष मुझे तंग कर रहा है, मेरा भी